नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे, सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। दोस्तों जहां पर जानेंगे, आज यहां पर इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में एक मुकाबला होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की यहां पर 11 सीटों पर चुनाव शुरू। जी हां दोस्तों, जानेंगे खबर क्या कुछ आ रही है। और वहीं राहुल गांधी को लेकर के अपडेट सामने निकल के आ चुकी है। अब राहुल गांधी का तोड़ भाजपा के पास नहीं है, भाजपा के समर्थकों ने भी मान ली है हार। जानेंगे पूरी खबर, इसके साथ ही जानेंगे गुजरात मॉडल पूरी तरह से बेनकाब हो गया है, पोल खुल चुकी है, राहुल गांधी हमलावर। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहां पर अपडेट में बताएंगे, हरियाणा विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर आ रही है, और वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से भी ताजा अपडेट सामने निकल के आ चुकी है। दोस्तों एक एक करके हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जिसमें जानेंगे कि केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हर खबर आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे। लगातार दोस्तों बने रहिएगा खबरों की तरफ बढ़ने से पहले। अगर आप लोग भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय संविधान जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों पहली बड़ी खबर बताते चले, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मुकेश अंबानी खुद 10 जनपद गए और गांधी परिवार को अपने बेटे की शादी में आने का न्योता दिया था। अब खबर आ रही है कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य इस शादी में शामिल नहीं होगा, लेकिन हाँ सोनिया गांधी अपनी शुभकामनाएं जरूर दे सकती हैं। राहुल गांधी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं, ये यहाँ पर साफ तौर पर पता चल गया है। दोस्तों अगर आप लोग भी राहुल गांधी को देश की आम जनता का ही नेता मानते हैं तो इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवा सकते हैं। इस बीच खबर आ रही है, महाराष्ट्र में आज एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग, 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में। जी हां दोस्तों, बीजेपी में क्रॉस वोटिंग का डर। दरअसल सियासी गलियारों में एक सवाल खूब गूंज रहा है कि क्या महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव में खेला होगा, क्या एमएलसी के चुनाव में क्रॉस वोटिंग होगी। एमएलसी चुनाव में वोटिंग से पहले रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी देखने को मिली। सभी पार्टियों ने अपने विधायकों को कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। महाराष्ट्र में विधान परिषद का ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में लोकसभा चुनाव के बाद में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में पहला मुकाबला है और लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने बढ़त बनाई थी। लेकिन यहां पर एमएलसी चुनाव में बताते चलें, 11 सीटों पर चुनाव होना है, 12 उम्मीदवार मैदान में हैं, या तो भाजपा और जो उनका गठबंधन है उसके ही सारे 9 यहां पर उम्मीदवार जीतेंगे, या फिर जो इंडिया गठबंधन है उसके 3 उम्मीदवार जीतेंगे। क्योंकि सीटों की संख्या के लिहाज से यहां पर देखा जाए तो क्रॉस वोटिंग होना पूरी तरह से तय माना जा रहा है और ये क्रॉस वोटिंग एनडीए के अंदर से देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये बड़ा झटका होगा दोस्तों एनडीए के लिए। आगे की जो भी अपडेट होगी, क्रॉस वोटिंग किस विधायक ने की है आप तक पहुंचाएंगे खबर जैसे ही निकल के आएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कीजिएगा। इस बीच अपडेट सामने निकल के आ रही है, राहुल गांधी मोदी की राजनीति के पीड़ितों की आवाज बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर मोदी भक्त अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं कि मोदी के पास में राहुल गांधी का तोड़ अब नहीं है। सूचना तंत्र पर संघी कब्जे के बावजूद विपक्ष के पास में नेशनल नैरेटिव वापस आ चुका है। 4 जून के बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है देश की राजनीति में। लगातार राहुल गांधी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और वहीं भाजपा उनके जो सवाल हैं उन तक के जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये यहां पर खबर आई है। दोस्तों अब तो मोदी भक्त भी मानने लगे हैं कि राहुल गांधी की काट ही नहीं है, खुद नरेंद्र मोदी के पास में भी। आप लोग इस बात से सहमत हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में बताइएगा। इस बीच गुजरात मॉडल बेनकाब हो गया है देश के सामने। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में 10 नौकरी के लिए 1800 उम्मीदवार आ गए, भगदड़ मची है, होटल की बाउंड्री भी टूट गई है। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल,
जमकर के हुई है बीजेपी सरकार की फजीहत। लगभग पिछले 30 सालों से गुजरात में भाजपा ही सत्ता में है और बेरोजगारी किस कदर वहां पर बढ़ चुकी है इसका अंदाजा आप लोग लगा ही सकते हैं इस खबर से। इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी बोले, बेरोजगारी की बीमारी भारत में महामारी का रूप ले चुकी है और भाजपा शासित राज्य इस बीमारी का एपिसेंटर बन गए हैं। एक आम नौकरी के लिए कतारों में धक्के खाता भारत का भविष्य ही नरेंद्र मोदी के अमृतकाल की हकीकत है। यह राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से घेरा है सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार को और राज्य की भाजपा सरकार को। दोस्तों, बेरोजगारी काफी ज्यादा हो चुकी है गुजरात के अंदर, इस खबर से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, देश के अंदर यहाँ पर 3 राज्यों के अंदर चुनाव होना है जिसमें से एक राज्य हरियाणा भी है, उसको लेकर के ताजा सर्वे सामने निकल के आ चुका है, भरोसेमंद ओपिनियन पोल है। जी हाँ दोस्तों, बताते चलें, हरियाणा को लेकर के 2 सर्वे बताए गए हैं इस सर्वे एजेंसी की तरफ से। इसमें कहा गया है कि सबसे बुरी स्थिति में भाजपा के लिए यहाँ पर सर्वे क्या कुछ कहता है देख सकते हैं। अगर सबसे भाजपा बुरा प्रदर्शन भी करती है तो कांग्रेस पार्टी को 60 सीटें मिलेंगी, बीजेपी को 25 सीटें, जेजेपी को 3, INLD प्लस को 2 सीटें मिलेंगी। और दूसरा यहां पर जो सिनेरियो बताया गया है उसमें बताया गया है कि सबसे अगर अच्छा प्रदर्शन भाजपा करती है तब भी राज्य के अंदर कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, 52 सीटें जीत सकती है 90 विधानसभा में से कांग्रेस पार्टी, बीजेपी को तब भी 32 सीटें ही मिलेंगी यानी कि बहुमत से काफी दूर, जेजेपी को 4, INLD प्लस को 2 सीटें, यानी कि भाजपा की सत्ता किसी भी कीमत पर आती हुई नजर नहीं आ रही है। चाहे भाजपा अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करे या सबसे खराब प्रदर्शन करे, राज्य के अंदर सरकार कांग्रेस पार्टी की ही बन रही है, यह सर्वे एजेंसी ने साफ तौर पर कह दिया है। दोस्तों, इसके साथ ही एक और अपडेट आ रही है, सांसद बनने के बाद में कंगना रनौत के तेवर ही बदल गए हैं। जी हां दोस्तों, मंडी की जनता ने उनको प्रचंड वोटों से जिताया, लेकिन अब मंडी की जनता को लेकर के उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि उनकी जमकर के फजीहत हो गई है, मुझसे मिलना है तो आधार कार्ड लेकर के आए। मंडी की सांसद कंगना रनौत के बयान पर हिमाचल प्रदेश में बवाल मच गया है। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं कि किसी चुने हुए प्रतिनिधि का ऐसा व्यवहार अपने क्षेत्र की जनता के लिए ठीक नहीं है। देख सकते हैं कि अब तो कंगना रनौत से मिलना है तो मंडी की जनता को आधार कार्ड लेकर के ही जाना पड़ेगा, वरना वे मिलेंगी ही नहीं। ये खबर सामने निकल के आई है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है इस पूरी अपडेट पर। इसके साथ ही बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज अपना फैसला सुनाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के द्वारा अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद मई महीने में इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की रात को अरविंद केजरीवाल को उनके घर से हिरासत लिया था और वहीं जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच आज अपना फैसला सुनाने जा रही है। बेहद ही बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आज सामने निकल के आएगी केजरीवाल को लेकर के। इस बीच खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर के अपडेट है। कांग्रेस के 120 से 130 सीटों पर चुनाव लड़ने और एमबीए में बड़े भाई की भूमिका निभाने की संभावना नजर आ रही है। शिवसेना उद्धव गुट और शरद पवार गुट को यहां पर बताते चलें, शिवसेना को 90 से 100 सीटें मिल सकती हैं, शरद पवार की पार्टी को 70 से 80 सीटें मिलने की संभावना लगाई जा रही है। इंडिया गठबंधन ने 288 विधानसभा सीटों में से 225 सीटें से भी ज़्यादा जीतने का लक्ष्य रखा है और चुनाव में जीत हासिल करने की पूरी संभावना है, शरद पवार ने भी दावा कर दिया है। दोस्तों, इस समय की सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।